Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. तो आज सुबह ही उठ के मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ. अम्मी को कुछ काम से बाहर जाना था तो वो बाहर गई हैं, तो मैं अपने और भाई के लिए चाय बना रही हूँ. यहाँ पे इनफैक्ट चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, बट मैं उसके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो चाय नहीं पीता, बट कुछ रस या बिस्किट वगैरह खाने हो तो वो मेरी चाय को जो है शेयर करके उसके साथ खाता है. तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और उसके बाद मैं अम्मी का वेट करूँगी. वो आएंगी तो उसके बाद हम लोग जो है नाश्ता वगैरह करके और बाहर अगेन घर सर्च करने के लिए निकलेंगे. आप मेरी हर ही वीडियो में ऑलमोस्ट चाय देखेंगे. एक्चुअली मेरा गुजारा चाय के बगैर होता नहीं है, तो मैं ज़्यादा दिन में काफ़ी कप्स चाय ले लूँ, और ना भी लूँ अगर ज़्यादा तो मॉर्निंग में तो मस्ट होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और समटाइम रात में भी मुझे चाय हर सूरत में चाहिए होती है. बेशक मुझे खाना मिले या ना मिले, पर चाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बस यहाँ पे मैं जो है दो रस खा तो नहीं खा रही हूँ, एक रस मैं ले रही हूँ और एक अपने भाई के साथ जो है शेयर कराऊँगी मैं. और यहाँ पे मैं रस और चाय को एंजॉय कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं टीवी पर एक मूवी लगी हुई है एंग्री बर्ड के नाम से, जो कि एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रेज़ था उस गेम को खेलने का. मैं बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड खेलती थी, तो वो साथ साथ मैं मूवी एंजॉय कर रही हूँ और एंग्री बर्ड, और उसके साथ मैं अपनी चाय जो है वो फिनिश कर रही हूँ. यहाँ पे चाय पीने के थोड़ी देर के बाद अम्मी जो है वो घर वापस आ गई हैं, और वो मेरे और भाई के लिए जो है पैनकेक्स बना रही हैं. हम इसको अपनी लैंग्वेज में विशली भी कहते हैं, विशली, और वैसे इनको पैनकेक्स कहा जाता है. तो यहाँ पे अम्मी ने सबसे पहले जो है, मैं आपको सिंपल इसकी रेसिपी बता देती हूँ, कि सबसे पहले अम्मी ने एग को बीट कर लिया और उसके साथ ही उसमें थोड़ी सी शुगर, और अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप एक दो ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल सकते हैं. उसके साथ अम्मी ने इसमें जो है थोड़ा सा, अगर आपको वाइट फ्लावर पसंद है, वाइट आटा, तो वाइट डाल लें. अगर आपको जो वीट आटा है, ब्राउन आटा, वो पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं. वो डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, इसको बीट करें, और उसके बाद आप इसमें मिल्क डाल लें, और मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह आप इसको बीट कर लें. और अगर आपको इसको थिक रखना है या थिन रखना है, ये आपके अपने ऊपर है कि आपको किस तरह से कितना रिच पसंद है. तो बस उसको अच्छी तरह बीट करने के बाद आप उसको जो है थोड़ा सा तवे पर या पैन में ऑयल डाल के, और आप उसको जो है इस तरह से स्प्रेड कर दें. अगर आपके पास स्पैचुला है, अम्मी को तो प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वो उसी स्पून के साथ ही उसको जो है वो स्प्रेड कर देती हैं, एक रोटी की शक्ल में या पैन केक की शक्ल में बना लेती हैं. अगर आपको इस तरह से नहीं होता तो आप जो है वो स्पैचुला जो होता है उसके साथ भी आप इसको स्प्रेड करके रोटी की या पैनकेक की शेप दे सकते हैं. और साइज़ अम्मी बड़ा थोड़ा सा बनाती हैं, क्योंकि भाई को वो एक देती हैं, वो दो लेता नहीं है, तो वो शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देती हैं. अगर आप चाहें तो आप इसको स्मॉल या लार्ज या बिग या जैसे भी आपको पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसको जो है
वो बना सकते हैं। और इसको टर्न करने के बाद अगेन अम्मी ने इसको जो है वो थोड़ा सा साइड से ऑयल डाल दिया ताकि वो चिपके नहीं और बिल्कुल सही अपनी शेप में रहे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैंने अम्मी से हाफ ही लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रस और चाय ले लिया था तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, बट काफ़ी ये यमी होता है, काफ़ी मज़े का। तो इसको इसलिए गरम गरम आप इसको कोई भी, अगर आपके पास मैपल सिरप है या आपके पास हनी है तो वो इस तरह से इसके ऊपर डाल के आप खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। पैनकेक जो है, आप इसको पैनकेक कह दें, विशली कह दें या जो भी आपके लैंग्वेज में आप कहते हो इसको, तो हम लोग तो पैनकेक या विशली इसको कहते हैं, तो वो जो है मैं इंजॉय कर रही थी, खा रही हूँ और साथ साथ मैं जो है अम्मी से गपशप लगा रही हूँ। और उसके बाद हमें अगेन घर को सर्च करने भी निकलना है, तो बस मैं फिनिश करके उसके बाद तैयार होके और घर देखने के लिए निकलूँगी अम्मी के साथ। और मैं घर जो देखने की वीडियो को शूट नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी घर देखे और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस हम देख के वापस आए। और यहाँ पे हम हार्डली कोई 10 से 15 मिनट्स सिर्फ घर आए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे और हम बस थोड़ा सा, हमने दोपहर का लंच भी नहीं किया था, तो यहाँ हम सिंपल बस आए और उसके साथ हमने जो है जो थोड़े से बेकरी आइटम्स थे और रस वगैरह थे वो हमने सिर्फ लिए और उसके बाद जो है हम लोग अगेन जो है घर देखने के लिए हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे मैं चॉकलेट मूस पेस्ट्री इंजॉय कर रही हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की फेवरेट ये पेस्ट्री होती है, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी और मुझे बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे मैं चाय के साथ वही इंजॉय कर रही हूँ। बाकी सब और चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं और मैं जो है अपनी रस और उसके साथ ये मूस पेस्ट्री इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद बस मैंने एक घर शूट किया, एक्चुअली ये घर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था और काफ़ी खुला भी था, हवादार था और इसके चारों तरफ जो है टेरेस वगैरह भी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये घर, तो मैंने सिर्फ इस एक घर को ही शूट किया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। बट अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी घर में निकल आती है, तो ये घर भी जो है अभी 50-50 मूड हो रहा था कि इसको हम लोग लें या ना लें। मैंने सिर्फ इसलिए इसको शूट किया कि बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या करते हैं इसके रिगार्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी बहुत फेमस डिश है जिसे हम सोबत भी कहते हैं और पेंडा भी कहते हैं, पठानों की स्पेशल ये फेवरेट डिश है, बल्कि फेमस डिश है, फेवरेट नहीं, फेमस डिश है हमारी काफ़ी ये। तो यहाँ पे भाई वो एंजॉय कर रहा है और मैं उसके साथ आके बस मैंने एक दो स्पून जो है वो एक दो बाइट लिए थे उसके साथ मैंने, तो वो यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। और अपना मैं ये सैलड खा रही हूँ क्योंकि वो जो है वो खा रहा था बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और शाम में बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, तो मैं इसलिए अपना यहाँ पे सैलड इंजॉय कर रही हूँ। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।